शुरू करते हैं योगफल की सीमा द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। तो एज द लिमिट ऑफ सम के लिए हम इंटीग्रल करेंगे। तो बेटा सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लें क्या है। फॉर्मूला ये है आपका इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर हम करते हैं तो ए जो होती है हमारी लोअर लिमिट होती है, बी जो होती है हमारी अपर लिमिट होती है। सबसे पहले हम एच फाइंड करेंगे। एच एक बहुत सूक्ष्म सी धनात्मक राशि होती है यानी एच बराबर बी माइनस ए अपॉन एन। और एन क्या है, हम जो सीरीज लिखने वाले हैं उसमें पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेटा आपका जो फॉर्मूला रहेगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए प्लस थ्री एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। बेटा यहाँ आप ध्यान रहे, सबसे पहले एफ ए का मान ज्ञात करेंगे, फिर एफ ए प्लस एच का मान ज्ञात करेंगे, ए प्लस टू एच का, सबका बारी बारी से मान ज्ञात करेंगे और यहाँ रखेंगे। और बेटा एच मैं आपको बता ही चुका, एच जो है आपका बी माइनस ए अपॉन एन। अब बेटा ये मैंने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे जिनकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन, इसको बोल के हम लोग इलेवंथ में क्या बोलते थे, सिग्मा एन, अगर तुम्हारे याद हो। तो इसका जो मान होता था एन एन प्लस वन अपॉन टू होता है। उसके बाद बेटा दूसरा होता था सिग्मा एन स्क्वायर, इसको हम बोलते थे वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। तीसरा होता था, इसको बोलते थे सिग्मा एन क्यूब, बल्कि एक और भी होता था भाई, वन प्लस वन प्लस वन, वन को हमने कहां तक जोड़ दिया, एन पदों तक। तो इसको बोलते थे सिग्मा वन और इसकी वैल्यू होती थी एन। तो बेटा ये भी आप लोग याद रखो, ये भी मैंने समय रहते तुम्हारा लिख दिया। अब ध्यान दे, थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़े क्वेश्चन भी इसके लंबे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन होंगे ही नहीं, तो इस बात में पूरा पूरा ध्यान दें। तो एक्सरसाइज का आज जो आपको ट्राई करना है वो बेटा उदाहरण नंबर 25 आप लोग खुद करेंगे, और मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं एक दो तुम्हें करा रहा हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं यहाँ से, देखो भाई पहला तो आसान से ही लग रहा है मुझे। आप लोग क्वेश्चन नंबर दो देख लें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में इसने दिया है आई बराबर इंटीग्रल ऑफ, टू में इसने दिया है आई बराबर इंटीग्रल ऑफ जीरो टू वन, वन नहीं फाइव है भाई, जीरो टू फाइव एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ये आ गया एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। देखो वैसे तो नॉर्मल स्थिति से भी हो रहा है इसका इंटीग्रल, लेकिन आप नॉर्मल से नहीं करेंगे। अगर एज द लिमिट ऑफ सम आ गया तुम नॉर्मल से करते हो तो बेटा नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके के ही नंबर है। वैसे तो इजी है, एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का एक्स और लिमिट रख दो। मुझे नहीं लगता तुम लोग दो मिनट में ही करके रख दोगे इसको। अब देखो एज द लिमिट ऑफ सम के हिसाब से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे यहाँ से कि ए की जो वैल्यू है वो जीरो दिखाई दे रही है, बी की वैल्यू फाइव दिखाई दे रही है। तो ए और बी के बाद हम एच फाइंड करेंगे। तो एच इज इक्वल टू बी माइनस ए यानी फाइव माइनस जीरो अपॉन एन। तो यहां से आप देख रहे हो कि एच की जो वैल्यू है आपके पास वो आ गया आपके पास फाइव अपॉन एन। तो एच आ गया, अब हम एफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ आप अगर कंपेरिजन करो तो एफ एक्स बराबर है आपका एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले हम एफ ए फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू है जीरो। तो एफ ए यानी एफ जीरो, एफ जीरो बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो आप, एफ ए बोल दो। तो एफ ए का मतलब एफ जीरो। तो यहाँ आ गया आपके पास x की वैल्यू क्या रखी है आपने, जीरो प्लस वन यानी ये आ गया वन। उसके बाद आता है एफ ए प्लस एच। भाई एफ ए प्लस एच का मतलब a की वैल्यू तो जीरो है, प्लस h तो h ही है आपका। तो जब जीरो प्लस h रखेंगे x के बदले तो ये आ गया जीरो प्लस एच और प्लस वन यानी ये आ गया आपका h प्लस वन। ठीक होगी बात यहाँ तक, अभी और भी हमें फाइंड करने हैं। उसके बाद आता है आपका f ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस टू एच का मतलब एफ ए का मतलब क्या है जीरो और प्लस टू एच। बेटा एच को भी एच ही रहने दो, इसका मान ना रखो आप। तो एफ ए प्लस टू एच यानी ए प्लस टू एच का मतलब जीरो प्लस टू एच। और भाई एफ एक्स कितना था आपका, एक्स प्लस वन। तो एक्स का मतलब जीरो प्लस टू एच और प्लस आ गया आपके पास वन। तो ये आ गया आपका टू एच प्लस वन। उसके बाद एफ
प्लस थ्री एच, ए प्लस थ्री एच का मतलब जीरो प्लस थ्री एच, तो ये आ गया जीरो प्लस थ्री एच और प्लस वन, यानी एफ एक्स कितना है एक्स प्लस वन, तो ये आ गया आपका बेटा थ्री एच प्लस वन। अब आपने डॉट 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 लगाई और एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो बड़े ध्यान से करना है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई। तो आ गया एफ ए, ए का मतलब जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच और ब्रैकेट कर दिया बंद, तो ये एक्स है पूरा का पूरा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन का मतलब एन माइनस वन इंटू एच और प्लस आ गया आपके पास वन। तो हमारे पास सारी वैल्यू अवेलेबल हो चुकी, जब सारी वैल्यू अवेलेबल हो चुकी तो अब आप क्या लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर, तो सूत्र क्या था आपका ए टू बी यानी जीरो टू फाइव एफ एक्स यानी एक्स प्लस वन और इंटू आ गया आपके पास डी एक्स, भाई ये तो था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, देख लो भाई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन और सारों की वैल्यू, तो भाई हमने सारी वैल्यू पुट कर दी इसमें जीरो टू फाइव एक्स प्लस वन डी एक्स बी माइनस ए यानी फाइव माइनस जीरो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन, एफ ए एफ ए कितना था वन, एफ ए प्लस एच एच प्लस वन आया था, फिर एफ ए प्लस टू एच ए प्लस टू एच टू एच प्लस वन, फिर थ्री एच प्लस वन, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर एन माइनस वन इंटू एच और प्लस वन। तो बेटा इसको तो हम आई रख देंगे क्योंकि ये तो हमारा आई था ही फलन, अब इसको आई रखने के बाद इसको पांच रखा आपने और यहाँ रखा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये आया आपका वन अपॉन एन और ब्रैकेट हमने बंद किया। आप एक काम करो, ये जो वन 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 है इन सारों को तो एक साथ ले लो और एच एच को सारे एक साथ ले लो। देखो भाई क्वेश्चन बेटा यहाँ देखिए, ये श्रेणी का पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो टोटल पदों की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको एन, तो जब आप वन की शुरुआत करेंगे तो वन आपका पहले पद में मिल गया और लास्ट में मिल गया, तो वन का तो टोटल एक से लेके एन पदों तक हो गया, नहीं एन आ जाएगा, आप चाहो तो लिख सकते हो भी लिखेंगे, लेकिन जो बेटा एच का वाले का हम टोटल करेंगे भाई, हमें एच का यहां से करें तो पहले पद में तो एच है नहीं, तो ये एन माइनस वन तक चलेगा, यानी हमने पहले पहले पद एक जगह लिख दे, इसको आप थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा दे यहाँ, पहले पहले पद यानी एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच प्लस फोर एच, हालांकि फोर एच है नहीं, और एन माइनस वन इंटू एच ब्रैकेट वन। तो बेटा इसके अंदर कितने पद हैं आपके, इसके अंदर है एन माइनस वन पद, उसके बाद प्लस, और प्लस लगा के हमने वन को उठा दिया सब जगह से, तो वन को उठाने का मतलब वन प्लस वन प्लस वन और प्लस वन, और बेटा इसके अंदर जो पद हैं आपके कुल कितने पद हैं इसके अंदर एन पद। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आपने लिखा आई बराबर फाइव, बड़े धैर्य के साथ इनको करें आप, एन टेंस टू इन्फिनेटिव वन अपॉन एन, यहाँ आपने एच कॉमन ले लिया, तो एच जब कॉमन लिया तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और प्लस आ गया आपके पास एन माइनस वन और ब्रैकेट कर दिया बंद, भाई वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस एन माइनस वन और प्लस, यहाँ बेटा एक को आप एन बार जोड़ोगे तो सिग्मा वन और सिग्मा वन की वैल्यू कितनी होती है एन, तो ये आपका ये श्रेणी तो सॉल्व होगी आपकी, ये तो आपकी समस्या हल होगी। अब देखिए बेटा इस समस्या के लिए आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए आपको मैंने लिखवाया था, हम जानते हैं लिखे भाई बकायदा थ्री प्लस फोर प्लस एन बराबर एन एन प्लस वन अपॉन टू, लेकिन हमारी तो एन से पहले एन माइनस वन पे ही खत्म होगी, तो इसका मतलब एन बराबर क्या रखने पर, एन बराबर एन माइनस वन रखने पर, तो जब आप एन बराबर एन माइनस वन रखेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, एन के बदले एन माइनस वन, इधर भी एन माइनस वन, एन के बदले एन माइनस वन और यहाँ एन माइनस वन प्लस वन अपॉन टू, वन से वन कैंसिल, तो ये आ गया एन एन माइनस वन अपॉन टू। तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा सबके, क्योंकि अगर ये एन तक चलता हमारा, अगर ये एन तक चलता हमारा फिर तो सीधा एन एन प्लस वन अपॉन टू रखते, लेकिन हमारा कहाँ तक चला एन माइनस वन तक, तो हमें भी एन के बदले क्या रखना पड़ेगा एन माइनस वन। तो बेटा ये वैल्यू उठा के आप इसमें रखें, तो जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा आपका आई इज इक्वल टू फाइव बाहर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और वन अपॉन एन, और भाई ये आ गया आपका क्या क्या था भाई, ये था आपका पहले एच था और एच के बाद आएगा एन एन प्लस वन अपॉन टू
एच के बाद एन एन माइनस वन था भाई, गड़ गड़ ना करो जरा सा भी, एच और एच के बाद है एन एन माइनस वन अपॉन टू और प्लस आ गया आपका एन, ठीक होगी बात। अब बेटा क्या करा हमने, बाहर से जो एन है इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ गया आई बराबर फाइव और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। जब आपने बाहर के एन के अंदर मल्टीप्लाई करी तो एच और एन माइनस वन अपॉन टू और प्लस आ गया आपके पास वन। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात क्लियर। लेकिन अब एक बात समझ लो, एक तो हमें h को भी n में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम h बराबर कितना था, मुझे लग रहा 5 अपॉन n था शायद, 5 अपॉन n रखने पर। दूसरी बात ये, आपने लिमिट के क्वेश्चन अभी किए, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं हुई, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर कहीं आता है तो बेटा n की वैल्यू डायरेक्ट इन्फिनिटी रख देंगे तो सब इन्फिनिटी हो जाएगा। मान लो यहाँ तो मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी रखो, सब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं जहां भी क्वेश्चन में आपको एन दिखाई दे उसको वन अपॉन में कन्वर्ट करें। वन अपॉन का मतलब यहां से एन कॉमन लेंगे, तो जब एन कॉमन लेंगे तो वन माइनस वन अपॉन एन। वन अपॉन एन का मतलब जब आप एन टेंस टू इन्फिनिटी वहां अप्लाई करो, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो बेटा जहां भी इन्फिनिटी वाली लिमिट आती है तो उसको वन अपॉन में कन्वर्ट करके रखते हैं ताकि वो जीरो बन सके, क्योंकि अगर इन्फिनिटी हो गया फिर तो सारा क्वेश्चन इन्फिनिटी हो जाएगा। ये बात तुमने लिमिट में ग्यारहवीं में पढ़ी और बारहवीं में भी काफी क्वेश्चन किए। तो यहाँ आया आपके पास i इज इक्वल टू फाइव लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटी और भाई h की वैल्यू आपने रख दी 5 अपॉन n और यहाँ देखो भाई आपने n कॉमन ले लिया अंदर से तो 1 माइनस 1 अपॉन n और पूरे के अपॉन में 2 और प्लस आ गया आपके पास 1। तो भाई n से n कैंसिल हो गया फिर से। अब आप क्या लिखे टेकिंग लिमिट, तो जब आप लिमिट लेंगे तो ये आएगा आपके पास 5 तो पूरे के बाहर है ही और ये आ गया आपका एन की जब लिमिट लेंगे यहाँ भी 5 अपॉन 2 और अंदर 1 माइनस 0 और प्लस आ गया आपके पास 1। भाई जहाँ 1 अपॉन एन है वो क्या बन जाएगा, 0। जब 1 अपॉन इन्फिनेटिव क्या होता है, 0। तो आई बराबर 5 अंदर आ गया आपके पास 5 बाई 2 प्लस 1, तो 5 तो बाहर है ही, अंदर हमने 2 एलसीएम ले लिया, 5 प्लस 2 5 और 2 7 पंजे 35 बटे 2, दिस इज द आंसर। तो बेटा ऐसे आपके क्वेश्चन होंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक तो मैंने उदाहरण दिया आपको होमवर्क में आज के लिए, उदाहरण नंबर 25 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला, क्योंकि दूसरा मैंने करा दिया। बेटा कल मैं कोशिश करूंगा तीसरे चौथे में से एक करा दूं, पांचवे छठे में से एक करा दूं, तो कल कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को खत्म करने की पूरी पूरी।